Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to another fresh new vlog. Welcome to another fresh new day of my life. जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग आ चुके हैं पुरुलिया अयोध्या पहाड़ टूर से वापस, लेकिन फिर भी अभी भी कभी कभी जब भी फ्री हो रहे हैं तो खूबसूरत टूर की यादें हमारे माइंड में बार बार रिमाइंड हो रही है। और ये है हमारी पेट बर्ड, ये है एक लव बर्ड, इसका नाम है नैन्सी, जिसे मिस्टर पॉल कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा पैम्पर, दुलार लार प्यार। और ये खुली हुई रहती है, छोड़ी हुई रहती है और हमारे गोद में भी आती है और इसे बहुत अच्छे से हम लोग गोदी में भी लेते हैं। ये चली आती है चुपचाप से और इसको प्यार भी करते हैं हम लोग। और ये ना इस तरह से पैर कर रही है स्विमिंग करने की तरह। और कपकपाती ठंड में विंटर के रात को हम हस्बैंड वाइफ ने प्लान की एक पिकनिक की। गाइस, ये जानी पहचानी सी जगह आपने पहचान ली होगी, वो देखिए चंदा मामा ऊपर है, हम लोगों के पानी की टंकी नीचे है और ये वो एरिया है जहाँ पर दिन भर बर्ड्स रहते हैं, हमारे पेट बर्ड्स रहते हैं। और यही आज हो रही है हम लोगों की पति पत्नी वाली बोनफायर पिकनिक, जिसको के ये देखिए ये यहाँ से आग जलाए हैं और मिट्टी का ये मटका ले लिए हैं और हांडी जैसे चिकन बनती है गैस में, वैसे ही बिल्कुल इसी तरह से आग जला के आज चूल्हे में बन रही है चिकन। मतलब चूल्हा नहीं है, ईटा ले लिए हैं और पत्ती वगैरह जुगाड़ कर लिए हैं और इसी से बन रही है। और देखिए और यहाँ पे सारा जुगाड़ है हम लोग का, मतलब गार्डन में जितने भी बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी, जो भी लकड़ी के जितने भी डंटे थे और बड़े बड़े पेड़ से भी कुछ लकड़ी ले लिए थे और इस तरह से बन रही है। और क्योंकि आग जल रही है तो ठंड का उतना पता भी नहीं चल रहा है। गाइस, इतने सर्दी में अंडर द स्काई ओपन एरिया में कैसे पिकनिक कर रहे, वो भी सिर्फ दो ही जन, सिर्फ पति पत्नी का पिकनिक होता है क्या? साउंड्स फनी ना, लेकिन होता है। अगर लाइफ में कुछ ठान लिए हैं कि हमें इस तरह से खुश रहना है और इसमें हमें खुशी निकालनी है और ढूंढ के नहीं निकाल रहे हैं, अपने आप से फीलिंग आ रही है खुशी वाली, हैप्पीनेस फील हो रही है, तो हस्बैंड वाइफ की पिकनिक बहुत ही अच्छे से हो सकती है। बस ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने रिश्ते की बॉन्डिंग को पहले दिन की तरह हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फ्रेश रखना है। फ्रेश इन द सेंस, हमारी शादी को 5 साल हुए, इस साल में 5 साल हुए, तो 5 साल हो गए इसलिए हम पुराने हो गए हैं, अब तो कुछ करने का मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा सोचने से नहीं होगा। जैसे सरप्राइज लंच डिनर लेकर जाते हैं सुमन जी मुझे हमेशा ही, तो ये कंपैटिबिलिटी हमें मेंटेन करना है कि जैसे रेस्टोरेंट में हम लोग मल्टी क्विजिन में जा रहे हैं, वैसे ही घर में भी कभी कभार आग जला के ठंड के दिन में मज़े वाली, पुराने दिनों वाली दोनों की पिकनिक होगी, रोमांटिक वाली डिनर होगी। कंपैटिबिलिटी यानी कि सामंजस्य, ये अगर अच्छे से बैलेंस करके रिश्ते में रखिएगा तो कभी भी ना आपके पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या दूसरों की वाइफ की तरफ, दूसरों के गर्लफ्रेंड्स की तरफ देखेंगे और ना ही कभी बीविया इधर उधर बॉयफ्रेंड ढूंढने किसी और के पति की तारीफ करने जाएंगे। तो इस तरह से रिश्ते में बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एक सही संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। और हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अगले दिन की सुबह कोलियारी की तरफ निकल गए हैं और जा रहे हैं ड्यूटी में। आज फिर से बाइक में जा रहे हैं, मिस्टर पॉल बाइक चला रहे हैं और पीछे हम बैठे हुए हैं। तो इसी तरह से एक और नए फ्रेश दिन की शुरुआत हो चुकी है और इस ब्लॉग के थ्रू मैं यही मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सही संतुलन पति पत्नी के रिश्ते में होनी चाहिए।
सो गई थी हमारी पति पत्नी वाली विंटर नाइट की आउटडोर की पिकनिक, बिल्कुल एक बोनफायर की तरह पिकनिक थी। टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।